आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए अनारस के खट्टी मीठी तीखी वाली चटनी बनाने जा रहे हैं। चलिए बनाते हैं खट्टी मीठी तीखी चटनी। पाइनएप्पल की चटनी बनाने के लिए हमने पाइनएप्पल को अच्छी तरीका से छील लिया है। छील के इसे कद्दूकस कर लेंगे और उसमें क्या क्या लगेंगे देखिए। चीनी मैंने स्वाद अनुसार अपने हिसाब से मीठे जितना डालेंगे उतना डाल सकते हैं। चीनी मैंने एक बाटी लिया है, चिल्ली फ्लेक्स लिए छोटा चम्मच से एक चम्मच, किशमिश और खेजूर और काला नून। पाइनएप्पल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और दो चार लेके मैंने कद्दूकस कर लिया है। अनारस हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब पैन को हमने गरम करने के लिए रख दिए है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, अब उसमें पाइनएप्पल डाल देंगे। और इसे थोड़ी देर तक अच्छी तरीके से खूब चलाएंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, थोड़ी पानी सूखने तक चलाते रहेंगे। अनारस का पानी सूख चुका है, अब हम इसमें चीनी डालते हैं। चीनी हम छोटा बाटी से एक बाटी लिए हैं, एक कप का अनुसार। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मीठा डाल सकते हैं। चीनी थोड़ी देर तक पिघलने के लिए रहने देंगे। चीनी हमारी अच्छी तरीके से एकदम पिघल गई है। अब इसमें हम छोटा चम्मच से एक चम्मच बीट नून डालेंगे। खेजूर डालेंगे, थोड़ा किशमिश डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो चुका है, चटनी हमारा बनके अब हो गया है तैयार। अब इसे हम सर्व करते हैं। अनारस की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनके हो गई है तैयार। अगर आप लोगों को यह चटनी अच्छी लगे तो आप अपने घर पे भी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि यह चटनी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।